क्या होगा अगर पोकेमोन सीरीज के अंदर ऐश वापस आ जाए। वेल देखो, ऐश के बारे में कौन नहीं जानता। पोकेमोन की सीरीज जो ऐश की वजह से चलती थी और ऐश की वजह से पोकेमोन जो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, लेकिन पोकेमोन ने यार ऐश को रिमूव कर दिया और इस वजह से पोकेमोन फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए और पोकेमोन की जो व्यूवर्स है और उसकी DRP और भी जो उसकी रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। देखो यार, अभी भी काफ़ी सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि ऐश जो है फ्यूचर में वापस आएगा या फिर नहीं आएगा। पोकेमोन होराइज़न में ऐश को वापस से देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा। वेल देखो, इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा ऐश जो आने वाला है या फिर नहीं। वेल देखो, सबसे पहले बता दूं कि पोकेमोन सीरीज जो है ऐश के बिना नहीं चल सकती। और हाँ देखो, पोकेमोन जो है वो ऐश के बिना पॉपुलर भी नहीं होने वाली। अभी जो करंटली सीरीज चल रही है पोकेमोन होराइज़न, इसमें हमें लीक और रॉय की स्टोरी देखने को मिल रही है, लेकिन ये सीरीज इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितनी कि हमारी पुरानी पोकेमोन थी, यानी कि ओल्ड पोकेमोन जो गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है। देखो, उसे गोल्डन एरा कहते हैं क्योंकि ऐश ने हमारा बचपन बनाया और ऐश की वजह से हमने काफ़ी सारी चीज़ें लर्न की। ऐश ने हमें 26 सालों तक एंटरटेन भी किया। देखो, ऐश जो है पोकेमोन सीरीज को कम्प्लीटली छोड़कर नहीं गया, ये बात मैं पहले क्लियर बता दूं। हाँ, ऐश जो है रिटर्न आने वाला है, मैं तुम्हें प्रूफ बताने वाला हूँ। वैसे काफ़ी सारी थ्योरी है कि पोकेमोन कंपनी ने ऐश को टेम्परेरी क्यों निकाला। वेल देखो, काफ़ी सारी थ्योरी में से मेरे को जो थ्योरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी उसके बारे में बताता हूँ। देखो, पोकेमोन कंपनी कुछ नई चीज़ें ट्राई करना चाहती है इस न्यू जनरेशन के लिए। वेल इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐश को निकाल दे। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, पोकेमोन कंपनी ने कई बार सोचा था कि वो ऐश को निकाल देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने ऐश को निकाला तो पोकेमोन पर उस पर बहुत ही बड़ा असर पड़ने वाला है और जो अभी हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए पोकेमोन कंपनी ने ये पहली बात क्लियर कर दिया कि उन्होंने ऐश को टेम्परेरी निकाला है, कुछ टाइम के लिए निकाला है। उन्होंने ऐश को परमानेंटली पोकेमोन सीरीज के पोकेमोन एनिमी से रिमूव नहीं किया। जिन्हें ये बात नहीं पता उन्हें बता दूं कि एनिमी के डायरेक्टर ने खुद ये बात कही कि उन्होंने ऐश को सिर्फ टेम्परेरी निकाला है। इस बात को हमें स्प्रिंग में आए हुए एक मैगजीन में देखने को मिली थी। अब देखो, तुम्हें बता दूं कि पोकेमोन में जो है ऐश जो है कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुआ है, वो आने वाला है फ्यूचर में। वेल तुम्हें ये बात बता देता हूँ आखिरकार ऐश को रिमूव करने का रीज़न क्या था, जो थ्योरी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। तो पहले तो इसे एग्जांपल की तरह से समझते हैं। वेल देखो, ऐश है एक बच्चा है जो ऐश को वॉच करता था और वो ऐश की तरह बनना चाहता था। उसका भी एक मकसद था, उसने भी अपना ड्रीम स्टार्ट किया, अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की और एक दिन वो ऐश से मिलता है। अब देखो, यहाँ पे दो प्लॉट्स है, यानी कि दो करेक्टर्स है। पहला ऐश, जिसकी स्टोरी हमें पता है वो उस बच्चे से कैसे मिला और ऐश ने अभी तक क्या क्या फेस किया, लेकिन उस बच्चे की स्टोरी अभी तक हमें नहीं पता उसने क्या क्या फेस किया, उसका क्या मकसद था, उसने क्या क्या किया ऐश से मिलने के लिए। तो पोकेमोन कंपनी हमें उस बच्चे की स्टोरी दिखा रही है। देखो, लीको और रॉय दो ऐसे ट्रेनर्स हैं जिनकी जर्नी काफी ज्यादा लाजवाब है और शायद उनका फ्यूचर में कनेक्शन ऐश के साथ होने वाला है। वो दोनों ऐश से क्यों मिलना चाहते हैं, ऐश से उसका क्या कनेक्शन होने वाला है, वो प्रॉपर बैठाने के लिए, यानी कि प्रॉपर फिट करने के लिए हमें उनकी स्टोरी दिखा रहे। फ्यूचर में कहीं ना कहीं कनेक्शन वो ऐश के साथ कर देंगे। देखो, ये थ्योरी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने तुम्हें एक्सप्लेन की। अब देखो यार, ऐश रिटर्न होगा तो सभी पोकेमोन फैंस काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे, पोकेमोन की फिर से पॉपुलरिटी बढ़ सकती है। वेल देखो यार, इतना पॉपुलरिटी डाउन होने के बाद पॉपुलरिटी को फिर से वापस आने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐश के बदौलत यार पोकेमोन कंपनी फिर से अपनी पॉपुलरिटी जल्दी हासिल कर लेगी। तो ये थी पूरी स्टोरी, आखिरकार पोकेमोन कंपनी ने ऐश को क्यों निकाला, ये नया सीरीज को हमें ऐश के बिना क्यों देखने को मिल रहा है और इसके अलावा ये नया सीरीज जो ऐश की स्टोरी के साथ कैसे कंटिन्यू हो सकता है। वह देखो, अगर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन जरा सा भी अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब से तुम्हें ऐसे और भी कमाल की वीडियोज देखने को मिलने वाली इस चैनल पर, तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और कमाल की वीडियो में।